गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने दुबई स्थित साथी और पाकिस्तानी डॉन शहजाद को वीडियो कॉल पर ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में दोनों एक दूसरे से बात करते हुए दिख रहे हैं। जेल में बंद होने के बाद भी लॉरेंस का इस तरह वीडियो कॉल पर बात करना और वीडियो का सामने आना जेल प्रशासन पर कई सवाल उठाता है। इसी घटना पर पंजाब से अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने क्या कुछ कहा है, देखिए। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज एक इंटरव्यू जिहड़ी बड़ी चर्चा का विशा बनी है, लॉरेंस बिश्नोई दी, एक बहुत ड्रेडेड गैंगस्टर, वड्डे आम सप्लायर पाकिस्तान दे नाल गल हो रही है। और ईद जिहड़ी कल निकली है, परसों ईद का दिन सी, उस दी वधाई दे रहे। सो एक गल तो बड़ी क्लीयर है कि जेल चो बैठिया जिहड़ी वीडियो है बड़ी ताज़ी है, फ्रैश है, मगर अफसोस की गल और चिंता का विशा यह है कि कला इस इंसीडेंट नू नहीं, ये पिछले लंबे समय चो दो ढाई साल तो यह काम चल रहा, और उस दिन तो बहुत तेजी नाल चल रहा है जदों पंजाब च भगवंत मान की सरकार बनी है। सिद्धू मूसेवाले का दिन दिहाड़े मर्डर होना, उस वेले लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की जेल च सी, तिहार जेल च सी, जिहदा सारा ही प्रबंध आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार दे थले चलता और सब इस गल नूं जानदे। फिर उस नूं पंजाब दी जेलां च लाया जांदा, पंजाब दी जेल च उहदी इक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, और उस जेल तो बठिंडे जेल तो इंटरव्यू हुंदी है जिथे कहिंदे कि कोई फोन की कोई चिड़ी नहीं फड़क सकदी। सो इह गल साबित हो जाती है कि जेलां तो बैठिया क्राइम सिंडीकेट किवें चल रहा है। और अफसोस की गल ये कि जेल चो बैठिया सलमान खान के घर फायरिंग हो जाती है, मगर साध संगत जी दिस इज़ नॉट द वरिंग इशू अलोन, ये तो वह केस होए जेडे हाईलाइट होए, मगर रोज़ की गिनती च रोज़ कोई बिजनेसमैन है, कोई नामी डॉक्टर है, कोई दुकानदार है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई प्रॉपर्टी डिवेलपर है, कोई प्रॉपर्टी रियल्टर है, हरेक नूं हज़ारां दे करोड़ दी फरौतियां आ रही और टारगेटेड किलिंग चल रही। परसों की गल है, अखबार से फ्रंट पेज की खबर सी कि लखबीर लंडा ने करोड़ रुपया तरन तारण के एक बिजनेसमैन तो मंगया। हालात ये बन गए है कि पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब छड़ छड़ भज रहे हैं, भगवंत मान साहब सुते पे है। जेलों चो 43,000 कॉलां, आ हाईकोर्ट की ऑब्जरवेशन है, 43,000 कॉल मेड फ्रॉम जेल। जेल मिनिस्टर कौन? भगवंत मान। होम मिनिस्टर कौन? भगवंत मान, मगर सुते पे है। अज पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है विद पाकिस्तान, और सारे कहिंदे सिद्धू मूसेवाले दे केस च या होर क्राइम च एडे सोफिस्टिकेटेड वैपनस यूज होए है जेडे पाकिस्तान तो लियाए गए। भाई साहब तुसीं जागोगे कदों? अज पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छड़ के भज रही है, बिकॉज इन्नी लॉलेसनेस है, लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स है। ये कला पंजाब की वरी नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी, नैशनल सिक्योरिटी हुण कंसर्न बनता जा रहा है कि भाई जे शरेआम इन्नी गल्लां चल रही ने तो एक सलमान खान नूं तां बचा लोंगे, मगर किन्ने मामा दे पुत मरवा देंगे। इसलिए अज इट डिमांड्स अ सीरियस एक्शन
ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਕਲੈਪਸ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਮੰਗ ਜਿੰਦਲ ਹੋਮਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਡਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂ? ਜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫ ਹੋਊਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਡਿਮਾਂਡ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਉਹ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਕੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।